हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी के बारे में, जो कि आपके निकल कर आ रही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर की तरफ से आपकी ये वैकेंसी निकली है, नेशनल इंस्टीट्यूट से आपकी वैकेंसी निकली है। तो कि इसमें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली, कितनी नंबर ऑफ द पोस्ट रहने वाली है एंड कितना आपको यहाँ पर पे स्केल देने वाले हैं, कब इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो जरूर इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड आने वाली वीडियो में हम और नई फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जरूर बनिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि आपकी वैकेंसी निकली है, जो आपकी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के तहत आपकी वैकेंसी निकली है। एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज हो चुका है एंड जो बात करते हैं नॉन टीचिंग पोजिशन पर आपकी ये वैकेंसी निकली है। जो बात करते हैं हमारी जो वैकेंसी है वो फार्मासिस्ट की, यहाँ पर वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हैं। फार्मासिस्ट के टोटल यहाँ पर 11 नंबर पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। नंबर ऑफ द पोस्ट यहाँ पर एक दे रखी है एंड जो इसमें लेवल ऑफ द पे आपको यहाँ पर देने वाले 29,200 से लेकर 92,300 तक आपको यहाँ पर लेवल पे दिया जाएगा। लेवल 5 का आपको पे दिया जाएगा एंड जो इसमें लास्ट डेट रहने वाली है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के क्राइटेरियाज के लिए फुलफिल करते हो तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इस वेबसाइट पर सबमिट करना होगा। जो लास्ट डेट रहने वाली है 10/7/2023 शाम 5:30 बजे तक आपकी ये एप्लीकेशन अवेलेबल रहेंगे। इसके बाद में कोई एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन नहीं होगा। 7/10/2023 से पहले आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। जो बात करते हैं हम इसके बारे में, जो हमारी वो वैकेंसी के बारे में जो बारह आपको बता दें इसमें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है एंड जो इसमें लास्ट डेट इंपॉर्टेंट डेट्स आपके बारे में बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट इसमें डेट्स रहने वाली है फॉर पब्लिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन आपका 13/6/2023 को, और ये नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है एंड जो 16/6/2023 को इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं एंड जो 17/10/2023 को यहाँ पर इसके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। तो जल्द से जल्द 10/7/2023 से पहले आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। दी गई वेबसाइट पर आपको 5:30 बजे से पहले अपना फॉर्म फिलअप करके रख देना है। उसके बाद में कोई आपका फिलअप नहीं होगा, उसके बाद में कोई आपका वहाँ पर फिलअप नहीं होगा। तो बात करते हैं डिटेल नोट फार्मासिस्ट की आपकी, जो बात करते हैं एंड इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है, नंबर ऑफ द पोस्ट यहाँ पर फार्मासिस्ट की है, नेम ऑफ द पोस्ट फार्मासिस्ट की है, नंबर ऑफ द पोस्ट 1 UR के लिए आपकी पोस्ट निकली है। क्लासिफिकेशन आपका यहाँ पर ग्रुप सी के तहत आपकी वैकेंसी है एंड जो पे स्केल आपको देगा PV यहाँ पर आपको लेवल पे एज पर 7 CPC की ग्रेड आपको यहाँ पर दी जाएगी एंड एज लिमिट आपकी यहाँ पर 27 ईयर पर दी हुई। क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर रहने वाला है 10+2 साइंस के साथ आपकी यहाँ पर क्लियर होना चाहिए एंड यहाँ पर आपको जो आपकी बी फार्म डिग्री होनी चाहिए, मतलब 10+2 आपको यहाँ पर साइंस के साथ क्लियर होना चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा विथ फर्स्ट क्लास ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बाय द फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है और आपके पास दो ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपने बैचलर डिग्री इन फार्मेसी में किया है तो इसके लिए एलिजिबल हो। बैचलर वालों के लिए कोई यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है। बैचलर वाले इसमें सीधे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर फ्रेशर बैचलर कैंडिडेट इज आल्सो अप्लाई एंड जो रजिस्टर है फार्मेसी अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत आपको यहाँ पर रजिस्टर होने चाहिए, बी फार्म होना चाहिए एंड डी फार्म होना चाहिए। डी फार्म के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर रिक्वायर है। तो ये आपकी वैकेंसी थी और इसके अंदर आपको 10/7/2023 से पहले आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 10/7/2023 है। आपकी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में आपकी वैकेंसी निकली है तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज़।